शहर में स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे विकास कार्यों का जायजा लेने संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा गोपाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में मरम्मत कराने के साथ ही पेंटिंग कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए रिपोर्ट। गोपाल मंदिर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा ने सबसे पहले मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किया, जिसके बाद स्मार्ट सिटी की सीईओ अदिति गर्ग ने उन्हें राजवाड़ा और गोपाल मंदिर के विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा ने सीईओ से निर्माण कार्यों में उपयोग की जा रही सामग्री के बारे में भी जानकारी ली, जिसके बाद संभागायुक्त ने स्मार्ट कंपनी की ओर से किए जा रहे कामों पर संतोष जताया। देखिए, ये जैसे गोपाल मंदिर में अभी हम खड़े हैं, ये शहर की एक बहुत बड़ी धरोहर है। कुछ हिस्सा इसका कॉलेप्स हो गया था और अभी जो रिस्टोरेशन का वर्क चल रहा है कि ये ओरिजिनल शेप में आए। इतने अच्छे इसमें आर्ट की चीज़ें हैं, लकड़ी का बहुत अच्छा काम है, कार्विंग्स का बहुत अच्छा काम है, तो उसमें एक समय लगता है। दूसरा, हमको डिस्काउंट करना पड़ेगा कि मार्च से लेके लगभग सितंबर अक्टूबर तक जब तक इकोनॉमी पूरी खुली, तो 7-8 महीने चीज़ें रुकी हैं, उसकी वजह से कुछ समय लगा है। और ये हाथ का काम है, घिसने का काम है, ये बहुत ज़्यादा काम पूरे मशीन आधारित नहीं है, तो समय लगना लाजमी है। लगभग 185 साल पुरानी स्ट्रक्चर है, उस पर काम करने में समय लगता है, पर एक अच्छा काम है। और जब ये रिस्टोर हो जाएगा तो शहर के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट भी रहेगा और अपने को अपनी संस्कृति पे जो गर्व है और गर्व होगा। देखिए, मैं इसमें कोई डेडलाइन नहीं दे सकता, ये काम मैंने कहा ना, हाथ का काम है। और जब हाथ के काम में आप करने लगते हैं कि जो कार्विंग्स हैं उसको निकालना है या उसी तरह की कार्विंग जनरेट करना है, उसमें समय लगता है। अपन कोशिश करेंगे कि अगले 6 माह के अंदर इसको कम्प्लीट कर लें, पर निश्चित टाइमलाइन सेट करना ऐसे काम में टफ है, क्योंकि एक छोटा छोटा काम प्रिजर्वेशन के साथ किया जाता है, नंबर वन। नंबर दो, टेम्पल है तो मंदिर में लोगों की मूवमेंट निरंतर बनी रहती है, क्योंकि सबकी भक्ति है। ऐसे में प्रोटेक्शन भी लेना पड़ता है, स्लो भी करना पड़ता है, मटेरियल मूवमेंट भी स्लो होता है, क्योंकि पूरा अपना रहवासी इलाका है, इसलिए समय लगा है। बट एक अच्छा काम हो रहा है और जब कंप्लीट होंगे तो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे। संभागायुक्त ने प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद राजवाड़ा और गोपाल मंदिर के आसपास के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित करने की भी बात कही। इसमें अभी एक यहाँ एक छोटी पार्किंग क्रिएट भी की जाएगी। दूसरा, इवेंचुअली पूरा ये क्षेत्र नो पार्किंग जोन बनेगा, तो जब ये सभी पर्यटकों के लिए खुलेगा और मेले वगैरह शुरू होंगे, तब तक संभवतः पार्किंग का सोल्यूशन हम निकालेंगे। नहीं, नो पार्किंग जोन का मतलब है कि गाड़ी नहीं आएगी। निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त के साथ नगर निगम और स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।